आजी परमादन्य बुजुर्ग नौजवान भाई आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार सती सावित्री अनुष्या जैसे पवित्र मात शक्तियां मेरी माता बहनाएं सभी से बस यही निवेदन जिस तरीके से पहले से जिकड़ी भजनों का आनंद लेते आ रहे कृपया उसी तरीके से लेते रहे। आइए सजनो आज श्री कृष्ण भगवान राधा जी से और परसों की कहकर के वर्षों गुजार देते हैं। आहा सजनो आज राधा कृष्ण के भोग में रोने लगी बिलाप करने लगी और भैया रणवीर किस प्रकार क्या कहने लगी क्या बताया कि जो जब कहा क्या कहा वो मुझसे
मुझसे रूठे हो क्यों? और इसी बीच एक कैमरे रुपए का पुरस्कार संदीप फौजदार तरुण अरवाल हमको देने वाला है। धन्यवाद भैया। मुझसे रूठे हो क्यों ये समझ में गई? और 100 रुपए का पुरस्कार कुमार कैप्टन जी दे रहे हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार फार्म ट्रैक्टर वाले अजय जी। अच्छा, फार्म ट्रैक्टर डीलर अजय पाल जी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार बलजीत नेताजी सुंदरावली वाले दे रहे हैं। और 100 रुपए का पुरस्कार गोपाल सरपंच सारवन वाले दे रहे हैं। अच्छा, धमाको है। और इसी बीच 500 रुपए का पुरस्कार मोराका वाले सरपंच जी हमको देने। बार बार धन्यवाद। एक बार सभी से निवेदन, सभी जोरदार तालियां बजा दें। अब आइएगा सजनों, जैसा कि जिकड़ी की तरफ प्रसंग वही जो कि मैं आपके समक्ष पहले छोड़ करके गई थी, उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रही हूँ। सजनों, राजा रोमपाल की लड़की कौशल्या पूजा करने के लिए जाती है। आहा मेरे बुजुर्गो, वही पर कौन कि आज रावण पहुंच जाता है। बताया कि गयो भवन में आए। सजनों ध्यान दीजिए प्रसंग की तरफ। गयो भवन में आए, दुष्ट ने मतो कमायो, सो कौशल्या हर लई भेदना काऊ ने लायो संग लिवाए। अरे लायो संग लिवाए, और सरयू तीर पहुंच के पापी करे रो सोच विचार। आज सजनों रावण कौशल्या का हरण कर लेता है। भैया धर्मवीर एक नदी पर पहुंच जाता है और आज मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, जवाब कर रहा है। ध्यान दीजिए। और भैया इस प्रकार क्या हुआ, क्या बताया? लेकिन देखो प्रसंग
तो चली रोए। एक बात जरूर याद आ गई है, क्यों? क्योंकि हमारो डिपार्टमेंट बैठो भयो है। अगर तम के तो कह दू बताओ। अच्छा कह दू भैया जी, देखो आज का क्या जमाना है। अम्मा आजकल की सास बहू कैसी रह गई है? कहा करेगी चौका भाषण तो साजे में ए, ए, सास करेगी चौका भाषण तो साजे में रह लेगी। और देखो भैया, अरे सास रहे पर्दा के अंदर, और ये एक से एक रुपए का पुरस्कार सुरजीत पहलवान रसिया वाले दे रहे महाराज धनबाद भैया। तम पे कोई दबाव ना देरी में एक बात बताओ, कछु ने कहा समझ में आ रो का ना आ रो? खूब बढ़िया आ रो है, तो ऐसा करो ने कि पीछे के शब्द बोल ले करो, जाते गवैया को मन लग जाए। मैं तमते ये ना कह रही कि रुपया दे दे करो, लेकिन पीछे के शब्द बोल ले करो। भैया जी कहा जी, हमको देने बार बार धन्यवाद। आइए बताया
जो नारी की हत्या करूं। ध्यान दीजिए प्रसंग की तरफ सज्जनों, रावण सोच रहा है कि जो नारी की हत्या करूं तो दोषी बनूं जमाने का। अरे काम नहीं मर्दों का नारी पर हाथ उठाने का। क्या हुआ कि लई संदूक असुर ने, भैया धर्मवीर, लई संदूक असुर ने और वहां में कौशल्या बैठाई और फिर जल के बीच बहाई। आज सजनों रावण ने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। इधर में आज राजा दशरथ बारात लेकर के राजा रोमपाल के दरवाजे पर आ जाते हैं। भैया धर्मवीर, महलों में कौशल्या नहीं है। आज राजा रोमपाल और किस तरीके से रोने लगे, क्या बताया। कहा और ले भीड़ बाधिन, कहा और ले भीड़ बाधिनी और राजा पे पड़ी है भारी हो मेरे बाबा रे। कहा
आराम दे वरदाओ जितने कृष्ण गीत पे गानेंगे। शिव सिंह भैया तो बहुत देर गाए गए हैं, मेरे कछु जल्दी टाइम तो कर दियो तुमने। आइए सुनिएगा, जैसा कि आदेश, गाना और सजनों गाना भी कहां से, आज राजा मोरो ध्वज के दरवाजे पर दो साधु साथ में एक भूखे शेर को लेकर के आ जाते हैं। आहा सजनों, आज राजा शांति बना जाओ, कमेटी वालों शांति बनाओ, सभी से निवेदन शांति बनाए, इधर ध्यान दीजिए। आज राजा मोरा ध्वज से उसके इकलौते बेटे को शेर के भोजन में मांग लिया। भैया धर्मवीर, आज राजा इस बात को अपनी रानी को बताते हैं। सजनों, रानी ने सुना एकदम से घबरा जाती है, कांप जाती है, कहने लगे स्वामी आप ये क्या कह रहे हो। आइए सजनों, सभी से निवेदन शांति बनाए, इधर ध्यान दीजिए। आज रानी रोने लगी, बिलाप करने लगी, और भैया धर्मवीर किस प्रकार क्या कहने लगी।
एक से एक रुपए का पुरस्कार ज्ञानी अंकल जी सुंदरावली वाले दे रहे हैं भारत सम्मान। भैया राजस्थान पुलिस वाले दे रहे बार बार धन्यवाद। आइए मेरा समय समापन की ओर। भैया जी गाने का निचोड़, गाने का रहस्य, गाने का सारांश, गाने का सार है वो क्या है